खबर इंदौर से है, जहां एक महिला की अहमदनगर के पास एक गांव में 20 साल पहले रेत कारोबारी से शादी हुई थी। अचानक महिला ने इंदौर आकर पति के खिलाफ मारपीट कर घर से निकालने और दूसरी शादी करने के मामले में केस दर्ज करा दिया। महिला ने बताया कि शादी के 5 साल बाद से उसे पति प्रताड़ित कर रहा था। उसे कुछ समय पहले जानकारी लगी कि पति ने दूसरी शादी कर ली। जब घर में विवाद हुआ तो पति उसे इंदौर छोड़कर अपने दोनों बेटों को लेकर चला गया। टीआई ज्योति शर्मा के मुताबिक वीणा नगर में रहने वाली रेखा भिसे ने अपने पति राजेश भिसे और ससुर गहीनाथ भिसे निवासी मल्ठन ग्राम अहमदनगर के खिलाफ मारपीट करने और प्रताड़ित करने के मामले में केस दर्ज कराया है। महिला ने बताया कि उसके पति ने दूसरी शादी कर ली, इसके चलते उसे घर से बाहर निकाल दिया। रेखा भिसे ने बताया कि उसके पति और ससुर का रेत का बड़ा कामकाज है। शादी के 5 साल बाद से ही पति उससे झगड़ा कर बार बार घर छोड़ जाते थे, लेकिन बच्चों के चलते वह चुप रहती थी। बेटियों के कारण रेखा ने अपना घर नहीं बिगड़ने दिया। 2018 से परिवार के कुछ लोगों ने राजेश के अन्य महिला के साथ होने की जानकारी दी। इस दौरान रेखा को पता चला कि राजेश ने 2018 में अन्य महिला से भी शादी कर ली है, लेकिन रेखा ने यह बात टाल दी। कुछ समय बाद राजेश के कपड़ों से रेखा को एक वैक्सीन सर्टिफिकेट मिला, जिसमें भूमिता नाम की महिला के पति की जगह पर राजेश का नाम लिखा था। इसके बाद दोनों में काफी विवाद हुआ। इसके बाद राजेश अपनी पत्नी को इंदौर छोड़कर चला गया। पुलिस के मुताबिक रेखा और राजेश के शादी से 4 बच्चे हैं, जिसमें बड़ी बेटी 18 वर्ष, छोटी बेटी 16 वर्ष और दो बेटे 14 वर्ष और 12 साल के हैं। राजेश की बेटी पुणे में पढ़ाई कर रही है, जबकि छोटी बेटी अपनी माँ के साथ है। वहीं दो बेटों को राजेश अपने साथ जनवरी में जबरदस्ती घर ले गया, जहां वह पढ़ाई के साथ पिता का काम संभाल रहे हैं। रेखा के मुताबिक इस मामले में उसे काफी धमकियां मिल रही थी, इसे लेकर उसने महिला थाने की शरण ली थी। फरियादिया रेखा पति राजेंद्र भिसे, उम्र 40 साल, 157 में एम वीणा नगर इंदौर की, एक आवेदन दिया था। इसकी 20 साल पहले राजेंद्र भिसे पिता गहीनाथ भिसे, उम्र 50 साल, निवासी ग्राम मल्ठन, तालुका करजब, भिसे बस्ती, जिला अहमदनगर, महाराष्ट्र से शादी हुई थी। क्योंकि इन्होंने 5-7 साल अच्छी तरह रखा, इसके बाद इसने दूसरी शादी, मतलब दूसरी लड़की इसके लव हो गया, तो इसके साथ अमानवीय व्यवहार करने लगा। इसके आवेदन पर जाँच के दौरान हमने नोटिस वगैरह दिए, लेकिन ये आया नहीं। अभी नहीं, अब आरोपी को नोटिस देंगे, जब आरोपी बुलाया है, जब आएगा तो नोटिस देंगे, इसके बाद चालान की कार्रवाई की जाएगी। सर आपका परिचय? राम नरेश सिंह भदौरिया, सहायक।